बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 3 है। आज हम आपके खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, दूसरा तबक, मुसन्निफ एमए राहत, आवाज उम्मे महबीर की। ये किताब आपके खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर पर राब्ता कीजिए 0300-2919600 अजहर लतीफ या 0345-523-4518 मोहम्मद शफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3। नाजिर को उसका बड़ा भाई कैसर हयात इस तरह सहारा दिए हुए था कि पहले वो अपनी खिदमात सर अंजाम देता था और इसके बाद अपने छोटे भाई नाजिर के लिए मसरूफ रह जाता था। उसके कपड़े, उसके रहने सहने की जगह, हर वो आसाइश जो कैसर हयात उसे दे सकता था दे रहा था। भाई की मोहब्बत दिल में कुछ और ज्यादा बढ़ गई थी। यूं जिंदगी का ये सफर तय होता रहा। सवालात दोनों के जहन में थे और अक्सर वो एक दूसरे से बैठकर बातें कर लिया करते थे। नाजिर कहता, भाईजान आपका क्या ख्याल है, ये सितारों का चक्कर हम पर से कब खत्म होगा? अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मायूसी कुफर कहलाती है। मैं अभी तक मायूस नहीं हूँ। अगर वाकई हमारी तकदीर में एक बार फिर सुरखुरु होना लिखा है तो हम यकीनी तौर पर इस अमल से गुजरेंगे और उस वक्त हमारे लिए खुद रास्ते और वक्त हमारे लिए खुद रास्ते मुतय्यन करेगा। और उन्होंने वक्त पर कनात कर ली। इसके अलावा जहाज पर उनका दिल भी लग गया था। मैडोना नामी एक जहाज एक तरह से उन्हें अपना घर मालूम होता था। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी कारकर्दगी सबसे ही मुतासिर थे। दोनों भाई सर झुकाकर मेहनत किया करते थे। दौराने सफर जगह जगह आने जाने वालों से मुलाकातें भी होती रहती थी और कई बार ऐसे दिलचस्प वाकयात पेश आए थे जो हालात में तब्दीली पैदा कर सकते थे, लेकिन इस तरह के जराए उन्हें नापसंद थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नाजिर की शख्सियत बेमिसाल थी और देखने वाली आंख उसे अपनी पसंद के मुताबिक देखती थी। यूं कई बार ऐसा हुआ था कि मुख्तलिफ खवातीन ने उसे अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश की थी, लेकिन नादिर अपने भाई का बेहद एहतराम करता था और वैसे भी हालात ने कुछ इस तरह अपनी बंदिशों में जकड़ रखा था कि जिंदगी की दूसरी रोशनियों की तरफ देखना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन इन तमाम बातों में जो सबसे अहम बात थी वो फरखंदा से किया हुआ वादा था, जिसे वो मौत के वक्त तक नहीं तोड़ना चाहता था। इस दौरान यूं तो जहाज पर काम करने वाले बहुत से लोगों से उनकी शनासाई हो गई थी और अक्सर वो समंदर की वसतों में तैरते हुए इस नन्हे से जहाज पर अपने लिए आर्जी दिलचस्पियां तलाश कर लेते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उस शख्स से मुतासिर थे जिसका नाम फेट था। जहाज का सेकंड ऑफिसर माइकल टॉट इसे जहाज की क्रेन कहता था। लंबी चौड़ी जसामत, काली रात से ज्यादा गहरी रंगत और हद से ज्यादा बदशकल, फेट के अंदर बहुत रोशनी थी। हर एक से मोहब्बत करने वाला, हर एक के काम आने वाला, जो कहता था कि उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा उसकी माँ शुरू का है, जिसे वो देवताओं का दर्जा देता है। फेट की कहानी कुछ यूं थी जो उसने खुद उन लोगों को सुनाई थी। अजीम आका और सूरज जैसी चमक रखने वालों, हुआ यूं था कि मैं अफ्रीका के एक कबीले का फर्द हूँ, लेकिन उस वक्त मैं शक्म मादर में था जब बुरे वक्त में आने वाले सफेद फामों ने मेरी माँ को मेरे कबीले से अगवा कर लिया और उसे कैदी बनाकर नई दुनिया में ले आए। वो बहुत बुरे लोग थे जिन्होंने मेरी माँ को मेरे कबीले से जुदा कर दिया, लेकिन बाद में जिस शख्स ने उसे खरीदा वो एक नेक दिल इंसान था। आसमान वाला मिस्टर गैरेट को बड़ा मुकाम दे, उन्होंने मेरी माँ को इज्जत दी और मैं उन्हीं के घर में पैदा हुआ। वही मेरी परवरिश हुई, बाद में वही जवान हुआ, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा अपना कबीला और मेरे बाप को याद रखा। इसके बाद मौत ने मिस्टर गैरेट को हमसे जुदा कर दिया और हम फिर भटकने लगे। तुमने अफ्रीका जाकर अपने कबीले को तलाश नहीं किया? कई बार, मगर हम नाकाम रहे क्योंकि मेरी माँ बेहद मासूम थी। वो इस कबीले के जाए वकू को बिल्कुल नहीं जानती थी। तुम्हें तुम्हारा कबीला कभी नहीं मिला? हमें तो उसका सही नाम भी मालूम नहीं है। तुम्हारी माँ भी अपने कबीले को याद करती होगी हमेशा, और मेरे बाप को भी, जिसका नाम हारवा था। तुम्हारा नाम फेंट क्यों है?
मिस्टर गैरेट भी जसामत और ताकत की वजह से मुझे एलिफेंट कहते थे, इसलिए ये नाम छोटा होकर सिर्फ फ्रेंक रह गया। उसने कहा और एक मगूम पहका सा लगाया। वो अंदर से दुखी था, ऊपर से खुश मिजाज। उसे अपनी बदसूरती का बहुत एहसास था और वो हंसते हंसते खामोश हो जाता था, लेकिन फिर खुद को फौरन संभाल लेता। अक्सर जब जहाज पर महफिलें जमती तो वह अफ्रीकी रक्स पेश करता और लोग महजूज होते। ये सारे रक्स उसे उसकी माँ शुरू करने सिखाए थे। माँ कहती है कि तकदीर के खेल अनोखे होते हैं। मुमकिन है कभी मुझे मेरा कबीला मिल जाए तो मैं उनसे अलग तो ना रहूंगा। फ्रेंड दर हकीकत किसी हाथी की तरह ताकतवर और मजबूत था, खुसूसन इन दोनों से उसकी बहुत शनासाई थी। तब उसने ये भी बताया कि जब उसके मालिक का इंतकाल होने लगा तो उसने उसे अपने एक दोस्त के सुपुर्द कर दिया जो एक शिपिंग कंपनी का मालिक था, और इन लोगों ने उसे मुस्तकिल मैडोना पर कयाम करने की इजाजत दे दी। यानी अपनी माँ शरोका के साथ वो जहाँ भी वो जाते शरोका उनके साथ होती। और इस वक्त भी वो बूढ़ी औरत जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी इस जहाज पर मौजूद थी, और नादिर और कैसर हयात उस औरत से बहुत ज्यादा एहतराम से पेश आते थे और वो औरत भी उन्हें खासा प्यार करती। तो इस लिहाज से उन दोनों का भी शुक्रगुजार था और बूढ़ी औरत की बीमारी से अक्सर परेशान रहा करता था। फिर एक बार दौरान सफर बूढ़ी औरत पर सख्त दौरा पड़ा और उसके बाद वो जिंदगी से महरूम हो गई। तब उसकी लाश समंदर में डाल दी गई और फ्रेंड के होठों से उसके बाद से मुस्कुराहट गायब हो गई। हालांकि नादिर और कैसर उसका बहुत ख्याल करते थे, लेकिन फ्रेंड के होठ तो ऐसा लगता था जैसे मुस्कुराना भूल ही गए हों। वो गर्दन झुकाए बैठा रहता था, उसकी तमाम शौकियां गायब हो गई थी। उसने इन लोगों से कहा था, और मेरे दोस्तों, इस औरत के सिवा मैंने इस दुनिया में कभी किसी को आंख भरकर नहीं देखा। मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। यूं तो जिंदगी में बेशुमार अफराद आते हैं, लेकिन मोहब्बत हर एक से नहीं हो जाती। बस उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में मुझे क्या करना है, किसके लिए जीना है। कोई नहीं है मेरा इस पूरी दुनिया में। फ्रेंड, ऐसा नहीं सोचो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। ये लोग उसे दिलासा देते, और बहरहाल सबकी हमदर्दियां फ्रेंड के साथ थी, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि फ्रेंड रफ्तार रफ्तार फ्रेंड के दिल से गम का ये एहसास निकल जाए। और शायद ऐसा हो रहा था क्योंकि फ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की जानिब वापस आ रहा था। इन दोनों भाइयों के साथ फ्रेंड की दोस्ती बेपनाह बढ़ गई थी, और वो कहता था कि अब अगर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का लुत्फ है तो वो सिर्फ ये दोनों हैं। वो अपनी माँ की सुनाई हुई बेशुमार कहानियां उन्हें सुनाता रहता था। उसने बताया था कि उसका कबीला अंधेरे वाला कहलाता है और वहाँ तारीकियों की पूजा होती है। वो अपनी माँ की जबानी सुनाई हुई कहानियां बड़ी दिलचस्पी से इन लोगों को सुनाता रहता था। बहरहाल सफर जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गया था, लेकिन वसीला जफर अभी तक कहीं नजर नहीं आया था। यूं पहला साल गुजर गया, फिर दूसरा साल दरमियान में पहुंचा था कि वक्त ने करवट बदली। इन दिनों वो गाबिया में बहरे उकियानूस के साहिल पर लंगर अंदाज थे। यहाँ से मैडोना पर मुसाफिरों को लाकर आगे बढ़ना था और खासे तवील सफर का आगाज करना था। चुनाचे अब उसकी तैयारियां हो रही थी, तमाम अफराद जहाज पर आ रहे थे। इनमें मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे थे और कैसर हयात, नादिर हयात और दूसरे तमाम अफराद अपनी नीली वर्दियां पहने मुख्तलिफ इंतजामात के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। मौसम खासा खराब था और अब इस खराब मौसम के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए थे। कुछ मुसाफिर ऐसे थे जो जरूरतन ये सफर कर रहे थे, और कुछ ऐसे जियाले थे जो समंदर में इस खराब मौसम में सफर करना चाहते थे ताकि अच्छे मौसम का मजा भी ले सके। चुनाचे सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके तो जहाज के लंगर उठा दिए गए और फिर वो आगे बढ़ने लगे। ठंडी हवाओं का दौरा था, उसके बावजूद मौसम में एक अजीब सी घुटन पाई जाती थी। आसमान पर बादल घिरे हुए थे। इसी असना में जहाज ने साहिल छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी से दूर होता चला गया। सियाह घटा आसमान पर तुली खड़ी थी। जैसे ही जहाज के सफर को तकरीबन
डेढ़ घंटा गुजरा मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया। तीसरे दर्जे के अरशे पर लेटे हुए मुसाफिरों में हलचल मच गई और हर शख्स बारिश से पनाह के लिए दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने सामान खुली जगहों पर ही छोड़ दिया और खुद अरशे के नीचे चले गए। रफ्ता रफ्ता समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी और मैडोना लहरों के दरमियान हिचकोले खाने लगा। एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी, लेकिन कोई भी हरासा नहीं था। नादिर और कैसर हयात अब मौसमों के आदी हो गए थे। कई बार उन्हें समंदरी तूफान का सामना करना पड़ा था और वो जानते थे कैसे मौकों पर उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन इस वक्त का ये तूफान कुछ ज्यादा ही शदीद था। बारिश के थपेड़े पूरी कुव्वत से बंद खिड़कियों और दरवाजों की आहनी प्लेटों से टकरा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद ओले भी बरसने लगे। यूं मालूम होता था जैसे मशीन गन से गोलियां बरस रही हों। बंद केबिनों के मुसाफिर भी खौफजदा हो गए थे। चारों तरफ घुप अंधेरा फैलता जा रहा था और इस अंधेरे में जब कभी कभी बिजली चमकती तो समंदर की खौफनाक लहरें जहाज से टकराती हुई दिखाई देती। मुसाफिर काफी देर मुश्किल का शिकार रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदरी तूफान का जोश और खरोश मध्यम पड़ता चला गया और मुसाफिरों में डिनर तकसीम होने लगा। अक्सर मुसाफिरों ने अपने केबिन में ही खाना मंगवाया था। अलबत्ता बाद मुसाफिर जो यूरोपियन खाने के शायक थे तो आम गांवों में चले गए थे और वहां मौसम से लुत्फंदोज हो रहे थे। इस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे थे जब जहाज ने जबरदस्त झटका खाया और सोए हुए मुसाफिर जाग उठे। उन्हें अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ था। बहरहाल लोग खुद को संभालने की कोशिश करते रहे। अभी कुछ वक्त गुजरा भी नहीं था कि अचानक दर्जे अव्वल की जानिब से आग के ऊंचे ऊंचे शोले और सिया धुएं के मरगोले उठते हुए दिखाई दिए। फिर एक कयामत बर्पा हो गई। दरवाजों के खुलने और बंद होने और मुसाफिरों की बदहवासी में दौड़ने की आवाजें पूरे जहाज पर फैल गई थी और लोग एक एक दूसरे से उलझते टकराते गिरते पड़ते सारे जहाज में इधर से उधर भागते फिर रहे थे। आग की आवाजें बुलंद हो रही थी। फिर अजीबो गरीब मनाजे देखने में आए। बहुत से लोग शदीद जख्मी हो गए थे। भाग दौड़ में वो मुख्तलिफ जगहों पर टकरा रहे थे और बड़ी परेशान कुन कैफियत में थे। जहाज के सबसे वसी अरशे पर एक कयामत बरपा थी। हर शख्स परेशान था। बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे और मर्द बेहवास गुमसुम खड़े आग के शोलों को देख रहे थे। उन सबके चेहरों पर मौत की जर्दी फैल रही थी। कैसर हयात और नादिर दूसरे तमाम अफराद के साथ समंदर में तैरते हुए इस आग के गोले पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। मुसाफिर बेलगाम हो गए थे। हर शख्स अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ कह रहा था। फिर मौत के मुसाफिर लाइफ बोट की तरफ भागे तो लाइफ बोट के इंचार्ज ने उन लोगों को रोका और उन्हें हिदायत देने लगा कि इस तरह एक भी लाइफ बोट समंदर में नहीं उतारी जाएगी जब तक कि लाइफ बोटों पर चढ़े हुए लोग नीचे नहीं उतरेंगे। इसी असना में चंद लोगों ने किश्तियां पानी की सतह तक उतारने के लिए उल्टी सीधी तदबीरें अख्तियार की और गलती से चंद रस्से काट दिए, लेकिन इसका बड़ा मौलिक नतीजा बरामद हुआ। रस्से कटते ही धमाकों के साथ आदमियों से खचाखच भरी हुई 2 कश्तियां समंदर में गिर गईं। इनमें औरतें और बच्चे भी थे जिनकी फलक शिगाफ चीखें बुलंद होने लगी। नादिर और कैसर दौड़ते हुए आनी कटहरे के पास जा खड़े हुए। लोग समंदर में गोते खा खा कर गर्क हो रहे थे। उससे पेशतर कि उन्हें बचाने का कोई इंतजाम किया जाता, समंदरी मछलियां कसीर तादाद में पानी की सतह पर उभर आईं। उनमें बड़ी बड़ी शार्क मछलियां भी थीं, जो अपने भयानक जबड़े खोले तेजी से इंसानों को शिकार कर रही थीं। ये मंजर इतना दहशत अंगेज था कि बहुत से लोग गश खाकर गिर पड़े थे। बहरहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। आग अब दर्जे अव्वल के केबिनों को जलाकर तेजी से जहाज को अपनी लपेट में ले रही थी। लकड़ी के तख्ते और दूसरा सामान आग के अंदर चटाक चटाक की आवाजें पैदा करता हुआ धुआंधार जल रहा था। तमाम खलासी और इंजीनियर इस आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे और वो हर कीमत पर जहाज को बचाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन चंद ही लम्हों में उन्हें मालूम हो गया कि इस आग पर काबू पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। आग की तपिश से मौसम भी गर्म हो गया था और अब जहाज के तमाम मुसाफिर मौत की आग अपने चारों तरफ बिखरी हुई देख रहे थे। तमाम अमले को पूरी तरह एहसास हो गया कि अब आग बुझाने में नाकामी ही होगी, चुनाचे वो मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जा हुए और लाइफ जैकेटें पहनकर अरशे की तरफ दौड़ पड़े। उसके बाद किश्तियों को बाकायदगी से नीचे उतारा जाने लगा।
लेकिन मुसाफिरों की बदहवासी इतनी खौफनाक थी कि किश्तियां आसानी से नहीं उतारी जा रही थी। यहाँ तक कि सूरत हाल बिल्कुल बस से बाहर हो गई और जहाज के तमाम ऑफिसरों ने मुतफक्का तौर पर फैसला कर लिया कि अब जहाज को बचाना मुमकिन नहीं। जो आखिरी कोशिशों में मसरूफ थे वो तमाम इंतजाम कर रहे थे जो किए जा सकते थे। ऐसे मौके पर कुछ अफसरों ने अपने अमले के अफराद को भी जिंदगी बचाने की हिदायत की और इस वक्त मजबूरी के आलम में जहाज को आग और समंदर के रहमो करम पर छोड़कर अमले के अफराद को भी छोटी छोटी किश्तियों पर पानी में उतरना पड़ा। उन्हीं में से एक किश्ती पर नाजिर हयात, कैसर, फेंट और चंद दूसरे अफराद भी सवार थे जो इस वक्त एक दूसरे की सूरत से आशना नहीं रहे थे। इन सब की एक ही कोशिश थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके किश्ती को जहाज से दूर ले जाया जा सके ताकि जब जहाज पानी में गर्क हो तो उससे पैदा होने वाले भंवर से ये किश्ती बचाई जा सके। और उस वक्त हर शख्स नफसा नफसी का शिकार था और अब सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशां था। कैसर और नादिर भी एक गोशे में मौजूद थे। चूंकि फ्रेंड उनके करीब ही मौजूद था इसलिए वो फ्रेंड की जानिब से तशवीश का शिकार नहीं थे, लेकिन जो जिंदगी से महरूम हो गए थे उनके लिए उनके दिल खून के आंसू रो रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बहरहाल ये आखिरी लम्हात होते हैं जब इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके थे उसमें इस किश्ती में मौजूद तमाम ही अफराद सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। जो गुजर गया था वो माजी था और जो आने वाला था वो एक खौफनाक मुस्तकबिल का पेश खेमा था। एक लर्जा खेज और बेयारो मददगार सफर शुरू हो गया। जाहिर है कि इन औकात में खुद को तकदीर के हवाले ही किया जा सकता था और फिर नादिर और कैसर तो अपने आप को जिंदगी से दूर समझ ही बैठे थे। कैसर के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे लेकिन उसने किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उसकी पसलियों पर एक शदीद जर्ब पड़ी है और वह तकलीफ का शिकार है। वो जानता था कि छोटा भाई उसकी तकलीफ से परेशान हो जाएगा। चुनाचे उसने अपनी इस तकलीफ की जानिब से जहन हटा लिया था। रात के आखिरी हिस्से में बारिश थमी और बादल छट गए। आसमान पर इक्का दुक्का तारे नजर आने लगे थे जो इन छह मुसाफिरों की बेबसी पर मुस्कुराते हुए महसूस हो रहे थे। सुबह होते ही मोहिब लहरें पुरसकून हो गईं। लाइफ बोट तेज रफ्तारी से हिचकोले खाती किसी नामालूम मंजिल की जानिब बढ़ रही थी और सबके चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा। फ्रेंड के अलावा बाकी तीन अफराद जहाज के अमले ही के थे और उनमें से एक सेकंड ऑफिसर भी थे। वो बड़ी बुरी हालत का शिकार थे। उनमें से दो के बदन आग से झुलस गए थे। उन सबके चेहरे मौत के खौफ से जर्द थे और आंखें अंदर को धंसी हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी नमूदार होने लगी। झुलसने वालों की हालत रात भर में काफी खराब हो गई थी और फिर इसके बाद दिन को तकरीबन 10 बजे दोनों ने एक साथ दम तोड़ दिया। उनकी लाशों को उठाकर पानी में फेंक दिया गया था। सबके सब जहनी बुरान का शिकार थे। फ्रेंड भी खामोश बैठा हुआ था। नादिर और कैसर भी अपने अपने तौर पर सोच रहे थे। इतने तवील अरसे में समंदर का खासा तजुर्बा हो चुका था और इसके अलावा और कोई एहसास जहन में नहीं था कि बिला आखिर सब समंदर का शिकार हो जाएंगे। और वो जवार में छोटी बड़ी सैकड़ों शार्क मछलियां अपने खौफनाक जबड़े खोले लाइफ बोट के चारों तरफ बड़ी बेचैनी से तैर रही थी। वो बार बार किश्ती की तरफ झपटती और मायूस होकर लौट जाती। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान की बुलंदियां तय करता जा रहा था। समंदरी मछलियां दोपहर तक किश्ती का ताकुब करती रही, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम होने लगी। गालिबन ये शार्क मछलियों का कोई इलाका था जहाँ उनकी पूरी बस्ती आबाद थी। शायद अक्सर लोगों को ये मालूम ना हो कि बड़े बड़े समंदरों में रहने वाली शार्क मछलियों के भी बहुत से कबीले होते हैं। अगर कोई मछली अपनी हद से निकलकर किसी दूसरी हद में दाखिल हो जाए तो खुद उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। दूसरे कबीले की शार्क मछलियां उसे फौरन चट कर जाती हैं। ये सारी बातें उन्हें जहाज के सफर के दरमियान ही मालूम हुई थी। बहरहाल लाइफ बोट पर जिंदगी का ये सफर जारी था। हवा कभी तेज चलने लगती थी और कभी आहिस्ता। हवा के बाद दूसरा मसला लहरों के उतार चढ़ाव का था। अगर लहरों में गैर तवाज़ुन पैदा हो जाए तो लाइफ बोट खतरे में पड़ जाती है।
बहरहाल वो आसानी से पानी की लहरों पर बहती चली जा रही थी। हवा का कोई तेज झोंका आता तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती और हवा कम हो जाती तो सुस्त चलने लगती थी। सही मानों में उनकी जिंदगियों का इसार हवा के घटने बढ़ने पर ही था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, यह अंदाजा नहीं हो सकता था कि वो किस सिम जा रहे हैं। एक आदमी जो बाकी बचा था वो भी जहनी तौर पर अदम तवाजन का शिकार था और बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। सूरज समंदर में गुरूब हुआ और आसमान पर तारे झिलमिलाने लगे। हवा एक बार फिर तावुन कर रही थी और अब इन सब के मेदे भूख से तकलीफ का शिकार हो गए थे। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो कुछ भी करना था अपने कुव्वते बर्दाश्त के सहारे था। पहला दिन पहली रात, फिर दूसरा दिन दूसरी रात, यहाँ तक के तीसरा दिन शुरू हो गया। तीन रोज के मुसलसल फाके और प्यास ने हर शख्स को निढाल कर दिया था। लाइफ बोट में वो सब एक दूसरे के करीब लाशों की तरह पड़े आसमान को देखते रहते थे कि शायद बादल ही आ जाएं। हालांकि बारिश ने ही ये सब कुछ किया था, लेकिन इसके बाद वो रूठी हुई महबूबा की मानिंद दूर चली गई थी। अगर बारिश हो जाती तो कम अज कम थोड़ा सा पानी ही जमा किया जा सकता था। इन सबकी जबानों पर कांटे पड़े हुए थे। चौथा आदमी, जिसने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था, शिद्दत तकलीफ बार बार मुंह खोलता और यूं महसूस होता जैसे वो बड़े कर्ब के आलम में गुजारा कर रहा है। छठे रोज उफक के दूसरे सिरे पर सिया बादलों के चंद टुकड़े दिखाई दिए, जिनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और सभी बेसब्री और शौक के साथ उनके करीब आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बादल किश्ती पर से गुजर गए और एक बूंद भी ना टपकी। सारा दिन सूरज आसमान पर पूरी आबोताब से चमकता और उनके बदन धूप में झुलसते महसूस होते। यूं लगता जैसे जिस्मों पर चूटियां रेंग रही हैं और कभी कभी सुइयां सी चुभती हुई महसूस होती। जब सूरज ढलता तो ये अजाब दूर होता और एक नई मुसीबत सामने आती, यानी समंदर की यख बस्ता हवाएं और उनके बदन सर्दी से थर थर कांपने लगते। वो हरारत के लिए एक दूसरे से लिपट कर लाइफ बोट के एक गोशे में पड़े रहते और सारी रात इसी तरह गुजर जाती। इस दौरान समंदर का तेज पानी बौछार की शक्ल में इन पर बरसता रहता। पांचवें दिन लाइफ बोट एक बार फिर शार्क मछलियों में घिर चुकी थी। ये मछलियां अगरचे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इनके दांत नहायत नुकीले और बड़े थे और शक्ल ऐसी ड्रावनी थी कि देखकर खून खुश्क हो जाता था। फेंट ने कहा कि सब लोग बोट के अंदर लेट जाएं ताकि मछलियां हमें देख न सके। बहरहाल दूर तक इन मछलियों ने ताकुब किया। सूरज जब ऐन सर पर आया तो गर्मी से बदन फिर झुलसने लगा। धूप की ये तपिश नाकाबले बर्दाश्त होती जा रही थी। फिर एक और हादसा हुआ। वो आदमी जो अब तक खामोश रहा था अचानक ही खड़ा हुआ। उसकी हालत बहुत अबतर थी। उसने कहा, मैं मर जाना चाहता हूँ। इस लाइफ बोट में मरने के बजाय किसी के लिए गजा ही बन जाऊं तो बेहतर है। उसकी आंखें आसमान की जानिब निगरा थीं। कैसर और नादिर खामोश बैठे पथराई हुई निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे। अब सिर्फ मौत का इंतजार था और वो लोग एक दूसरे से ये भी नहीं कह सकते थे कि सफर इस तरह वसीला जफर बनता है, लेकिन बहरहाल ये तकदीर का मामला था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसर भी अब ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त नहीं रखता था। उसके बदन की चोट अब नाकाबले बर्दाश्त होती जा रही थी। फिर उसे बुखार चढ़ाया और उसका बदन तपने लगा। नादिर की आवाज जवाब देने लगे थे। फिर कैसर ने खासी परेशानी की कैफियत में नादिर से कहा, मेरे सीने के पास चोट लगी है और उसकी वजह से मैं ज्यादा परेशान हूँ। नादिर ने अपनी कमीज उतार कर पानी में डुबोई और कैसर के बदन पर रख दी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू रवा दवा थे। अगर भाई भी जिंदगी से महरूम हो गया तो इस कायनात में जीने का और कोई सहारा नहीं रहेगा। गर्ज ये कि वक्त गुजरता जा रहा था। फाके और प्यास के बायस जां बलब तीनों अफराद बस आसमान की तरफ देखते रहते थे और उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें। फिर एक दिन सुबह के वक्त सिया घटा झूमती हुई महसूस हुई। सुबह नीम रशी के आलम से निजात मिली तो उन्होंने आसमान पर गहरा रंग देखा और उसके बाद ये गहरा रंग पूरे आसमान को ढकता चला गया। फिर गरज चमक के साथ बारान रहमत शुरू हो गई। बारिश का हर कतरा उनके तने मुर्दा में जिंदगी की नई लहर दौड़ाने लगा और एक तरह से उनके लिए आबे हयात बन गया। उसने जिस्मानी कुव्वत भी फराहम की और भूख की शिद्दत कदरे कम हो गई। इस तरह थोड़ी सी जिंदगी बदन में दौड़ गई थी। अब शार्क मछलियों का खतरा भी नहीं रहा था।
आजाद समंदर के इस हिस्से में लाइफ बोट पहुंच गई थी जहां बेजरन मछलियां रहती थी। वो अक्सर लाइफ बोट के करीब घूमती रहती थी और कभी कभी ये लोग उनका तजिया करते थे। फिर अचानक ही फ्रेंड को कुछ सूझी, वो किश्ती के किनारे आधा लटक गया। नादिर ने उसे खौफ ज्यादा अंदाज में पुकारा, फ्रेंड क्या तुम खुदकुशी करने जा रहे हो? लेकिन फ्रेंड ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ही वो सीधा हुआ और नादिर ने देखा उसके हाथ में एक मछली तड़प रही है। नादिर हैरत से मुंह खोलकर रह गया था। फ्रेंड ने कहकर लगाया और मछली को नीचे रखकर उसे घूंसे मारने लगा। मछली बहुत ताकतवर थी और अपने तौर पर सख्त जद्दोजहद कर रही थी। फिर फ्रेंड उसे उस वक्त तक मारता रहा जब तक मछली की जान न निकल गई। नादिर और कैसर हैरत से ये तमाशा देख रहे थे और उन्हें ताज्जुब था कि फ्रेंड के तने मुर्दा में इतनी जान कहां से आ गई। मछली खासी बड़ी और वजनी थी, लेकिन वो उसे यूं देख रहे थे जैसे मछली को देखने का इत्तेफाक पहले कभी नहीं हो सका। और उसके बाद फ्रेंड ने सवालिया निगाहों से इन दोनों की तरफ देखा और बोला, इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है कि हम इस मछली को कच्चा ही खा जाए। एक अजीब सी कराहत दिल में उभरी, लेकिन पेट ऐसी ही बदबख्त चीज है। मछली का कच्चा और बदबूदार गोश्त इस तरह मजे ले लेकर खाया गया जैसे हमेशा उसे ऐसे ही खाया जाता रहा हो। बचा कुचा गोश्त संभाल कर एक तरफ रख दिया गया। उस रोज दोपहर को एक बार फिर बादल उमट कर आया, हल्की सी बारिश भी हुई जिसने उनकी प्यास भी बुझा दी। अब जिंदगी एक बार फिर यूं उभर आई थी जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण। वो लोग कुदरत की इस मदद से बेहद मसरूर थे। मछली का कच्चा गोश्त और बारिश के पानी से सैराब होकर बदन बेजान से महसूस होने लगे थे। चुनाचे वो तीनों किश्ती में लेट गए थे। सूरज समंदर के सीने में उतरने की तैयारियां कर रहा था और यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि कितने अरसे तक ये लोग सफर करते रहे हैं। बहरहाल उसके बाद रात हो गई और दूसरी सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो उन्होंने देखा कि बेशुमार परिंदे फजा में उड़ रहे हैं। परिंदे देखकर एक नई उमंग दिलों में जाग उठी, जरूर खुशकी करीब है। दोपहर तक ये परिंदे फजा में उड़ते रहे और उसके बाद जब उन्हें एक भूरी लकीर नजर आई तो उनके दिल खुशी से नाच उठे। अब उन सब की एक ही आरजू थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो साहिल तक पहुंच जाए। लेकिन बहुत सी आरजुएं बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। वक्त गुजरता जा रहा था और इतनी रोशनी थी कि इस भूरी लकीर को नुमाया होते हुए देखा जा सकता था। फिर किश्ती से कुछ फासले पर पानी में से रंग के दो बड़े बड़े नारियल बहते दिखाई दिए और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए कमर बस्ता हो गए। कुछ लम्हों के बाद जब वो बोट के पास करीब पहुंचे तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर उन्हें उठा लिया। ये नारियल इस बात की निशानी थे कि जहां वो जा रहे थे वहां उनके लिए जिंदगी मौजूद है। पहर तौर तकरीबन सूरज गुरूब डूब चुका था जब उनकी किश्ती साहिल से जा लगी और फिर न जाने इन बेजान जिस्मों में से किस तरह पानी का ये थोड़ा सा हिस्सा उबूर किया गया और वो खुश्की पर पहुंच गए। भूरी नरम रेत चारों तरफ बिखरी हुई थी और चूंकि सूरज डूब चुका था इसलिए वो बिल्कुल ठंडी थी। वो इस ठंडी रेत पर इस तरह लेट गए जैसे बस जिंदगी को यहीं तक सफर करना हो और उसके बाद खात्मा ही खात्मा। उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई थी। जो कुछ वो खाते रहे थे उन्होंने मेदों में वजन तो पैदा कर दिया था लेकिन उनके दिल ने उसे कभी कबूल नहीं किया था। रात इस तरह गुजर गई कि उनमें से किसी को होश न रहा। फिर सुबह को जब नादिर जागा तो कैसर की हालत काफी खराब महसूस हो रही थी। अलबत्ता फ्रेंड मौजूद नहीं था। उन्होंने फ्रेंड की तलाश में निगाहें दौड़ाई तो फ्रेंड दूर से आता हुआ नजर आया। वो थोड़ा सा घास फूस लेकर आया था और उसके साथ ही उसने गालिबन हाथों ही से दो तीन मछलियां भी पकड़ी थी जो नारियल की एक शाख में उलझी हुई थी। इसने वो शाख जमीन में गाड़ी और उसके नीचे पत्थरों की मदद से आग जलाने की कोशिश करने लगा। सूखी हुई घास ने बड़ी मुश्किल से आग पकड़ी थी। फ्रेंड ने वो मछलियां भूनी। नादिर उसकी कोशिशों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन फटे हुए होंठ मुस्कुराने की इजाजत भी नहीं दे रहे थे। एक अजीबो गरीब शक्ल हो गई थी उसकी। तनावर और सुर्ख सफेद बदन अब धूप से झुलस गया था। चेहरे का रंग भी तांबे की तरंगत अख्तियार करता जा रहा था लेकिन इस कैफियत में भी उसके अंदर एक अजीब सी शान का एहसास होता था जबकि उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने भाई की थी। भुनी हुई मछली का गोश्त इस वक्त उन्हें दुनिया की सबसे लजीज शय महसूस हुआ। फ्रेंड ने भी अपना पेट भरा। अब वो ज्यादा मुस्ताद नजर आ रहा था। उसने कहा,
और अगर महसूस करने वाली नाक हो तो ये महसूस किया जा सकता है कि ये मेरे वतन की सरजमीन है, यानी तारीख बर्रे आजम यानी सहराए आजम अफ्रीका। लेकिन यूं महसूस होता है जैसे हम अफ्रीका के ऐसे साहिल से अलगे हैं जहां दूर दूर तक आबादियों का नामो निशान ना हो। और इस वक्त यही हमारे लिए बेहतर है कि हमारे जिस्म इस खौफनाक सफर से कमजोरियों का शिकार हो गए हैं। लेकिन देखो, नारियलों के वो झुंड हमें अपने दरमियान आने की दावत दे रहे हैं, और ज्यादा फासला भी अख्तियार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि समंदर को करीब ही रहना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं कि आगे हमारे लिए शिकार का बंदोबस्त हो या ना हो। और फ्रेंड उस वक्त दर हकीकत उनके लिए जिंदगी साबित हो रहा था, वो बहुत कुछ करने की कुव्वत रखता था। पार्ट नंबर 3 यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ। किताब दूसरा तबक, किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 4 में समाप्त कीजिए।